सो हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड पीरियड से सो हम अब देखते हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट डिटर्मिन हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सो सबसे पहले हम इनिशियल लेवल स्टार्ट करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड से दैट वाज़ फ्रॉम 1880 टू 1914। जब आपका आउटब्रेक हुआ था आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो उससे पहले का पीरियड थोड़ा सा स्टेबल भी था इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होते थे तो आइडिया बेसिकली uh, ये था कि आपके पास एक गोल्ड कॉन्टेंट इन वन यूनिट ऑफ ईच करेंसी वॉज फिक्स्ड सो एक्सचेंज रेट वॉज ऑल्सो फिक्स्ड इसका मतलब ये है कि हर जो करेंसी थी वो एक गोल्ड के यूनिट के साथ फिक्स कर दी गई थी और उस उस एक्सचेंज रेट के साथ बाकी दूसरी कंट्रीज भी आपस में ट्रेड कर रही थी और इसके अंदर जैसे सपोज़ आप ये क्या बात कर लें कि पाकिस्तान की करेंसी फॉर अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की करेंसी रुपी इतने इतनी वैल्यू है उसकी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड जैसे यू एस ए वन डॉलर जो है वो बराबर है सपोज़ वन जीरो पॉइंट सिक्स ऑनसेज ऑफ गोल्ड सपोज तो हर करेंसी को लिंक कर दिया गया था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू गोल्ड के साथ देन उसको नाम दिया गया था मिंट पैरिटी के साथ अब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का एक्चुअली आइडिया ये था कि ये प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड के अंदर ट्रांजेक्शन होती थी और आइडिया ये था कि आपके पास करेंसी के साथ गोल्ड बैकिंग होती है और ये इसके अंदर गोल्ड के साथ प्राइमरीली ट्रेडिंग होती थी और जो आर था वो फ्लक्चुएट कर सकता था फ्रॉम द मिंट पैरिटी अबव और बिलो और जो फ्लक्चुएशन थी वो आइडिया uh, था आपके पास गोल्ड पॉइंट्स को लेके या वो जो फ्लक्चुएशन थी उसके अंदर आइडिया ये था कि आपके पास गोल्ड की शिपमेंट uh, होती थी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री तो उस शिपिंग के कुछ कॉस्ट होते थे या जिसको आपने गोल्ड पॉइंट्स का नाम दिया था तो वो गोल्ड पॉइंट्स के हिसाब से जस्ट फ्लक्चुएशन होती थी आपके पास एक्सचेंज uh, रेट के अंदर नॉट मोर देन दैट और ये एक आइडिया लिया जाता था बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके इस सिस्टम के तहत कि अगर आपके पास आउटफ्लो हो रहा है आउट वुड बी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड सो उस केस के अंदर आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हैं वो डेफिसिट होंगे और जो अगर केस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है तो इनको एक करना है आपने और वो किस फॉर्म के अंदर होंगे वो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड ही होंगे और वो गोल्ड थ्रू शिप्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पे आपका कोई भी सपोज़ ट्रेड चल रही है एक्सपोर्ट्स हो रही हैं तो वहाँ से जो अमाउंट आएगी जो ट्रांसफ़र uh, हो गए पैसे वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ही होंगे और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टिकलीवरी आता है तो गोल्ड विल सेटल दैट थिंग इसके एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं पर्स किया कि आपके पास गोल्ड आउटफ्लो हुआ है इन फॉर्म ऑफ एनी परचेजेस या किसी भी फॉर्म के अंदर तो किसी कंट्री से गोल्ड जब आउटफ्लो हुआ तो उसका क्या फ़र्क पड़ा क्योंकि आपने टोटली uh, totally जो सिस्टम uh, रखा हुआ है वो लिंक किया हुआ है करंसी uh, को गोल्ड के साथ एक फिक्स पर्टिकुलर uh, जो है वो रेशो के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के साथ जैसे मैंने पहले बात की वन डॉलर इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स ऑन्सेज ऑफ गोल्ड सपोज तो हम ये कह सकते हैं कि जब गोल्ड आउटफ्लो हुआ तो मनी सप्लाई uh, जो है वो कम हो गई क्योंकि गोल्ड ही मनी है तो जब गोल्ड गया मुल्क से तो मनी सप्लाई कम हो गई अब जब ये मनी सप्लाई कम हुई तो आपके पास फॉल इन डोमेस्टिक प्राइसेस आया ये बड़ा एक क्लासिकल थेरम भी था क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी एम वी इज़ इक्वल टू पी वाई तो अगर आप एम बढ़ाएंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी अगर मनी सप्लाई कम हो गई है तो प्राइसेस कम हो जाएंगी तो कीपिंग दैट पर्टिकुलर थेरम दैट इज़ नोन एज क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी इसको अगर जहन में रखा जाए सो इफ़ मनी इफ़ द मनी सप्लाई इज़ फॉलंग इन दंट्री दैट मीन्स द प्राइस आर ऑल्सो फॉलिंग एट द सेम रेशो तो जब प्राइस कम हुई तो आपकी कॉमोडिटीज़ इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव हो गई दैट मीन्स अब लोग आपसे चीज़ परचेज करना चाहेंगे सो इन दैट केस आपकी कॉमोडिटीज़ जाएंगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर या अल्टीमेटली हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो जब एक्सपोर्ट्स बढ़ी तो अल्टीमेटली आपको उसके रिवॉर्ड में गोल्ड आना शुरू हो गया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो जो आपका गोल्ड uh, आउटफ्लो हुआ था वो आपने थ्रू ट्रेड जो है उसको सेटल uh, किया इन फॉर्म ऑफ इनफ़्लो। जब आपने कॉमोडिटीज बाहर भेजी सो so, इसको आपने नाम दिया था प्राइस फे फ्लो मेकनिज़म का अब इंटरेस्टिंगली uh, यहाँ पे uh, थोड़ा सा जो uh, एक रूल सेट किया गया था कि आपकी कोई भी डिस्टिक होता है जैसे हमने पहले बात की कि मॉनेटरी सिस्टम का काम है डिस्टिक को एडजस्ट uh, करना सो इन दैट केस यहाँ पे जो एडजस्टमेंट थी दैट वाज डिसाइडेड वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ही होगी लेकिन क्या हुआ कि जो रूल्स ऑफ द गेम सेट किए गए थे इसके अगेंस्ट भी कुछ चीज़ें हो रही थी और इसमें सबसे पहली चीज़ ये थी जो अभी भी स्टिल हम लोगों ने कुछ मेड्यूल्स पहले एक्सचेंज रेट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्कस किया फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन वही चीज़ यहाँ पे चल रही थी कि कैपिटल फ्लो हो रहा था टू गेट इंटरेस्ट रिटर्न्स अब यहाँ पे होता क्या था कि आपके पास कैपिटल आउट यूज़ हो रहे थे रेज आपके पास इंटरेस्ट रेट मोमेंट्स की वजह से आपके पास आउटफ्लो फ्लो uh, कर रहे थे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री तो एक क्विक एडजस्टमेंट प्रोसेस था आल दो अगर आप इमेजन करें गोल्ड की शिपमेंट के थ्रू क्वांटिटी ऑफ मनी आना और जाना उसके अंदर टाइम लगता था बट इन दैट केस इट वाज क्वाइट इजी एंड क्विक उस वक्त जो पाउंड था पाउंड स्टर्लिंग जो है था जिसे आप कह सकते हैं वाज़ द ओनली इंटरनेशनल करेंसी उसके अंदर ज़ाहिर बात है इस टाइम पीरियड के अंदर ये बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा उसकी रीज़न ये थी कि जस्ट एक करेंसी थी दैट वाज पाउंड और एक ही मॉनेटरी सिस्टम था कोई और राइवल मॉनेटरी सिस्टम नहीं रहा उस पीरियड के अंदर सो दैट वाज द टाइम जब आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड यूज़ होते थे फ्रॉम 1880 टू नाइनटीन Uh, 14 तक